राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सीमा इंडियन रसोई एंड ब्लॉग्स में। और आज है होली, आज है या कल है पता नहीं है, खैर कोई नहीं, तो आज है होली। तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कब है वो भी नहीं मालूम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पकवान वगैरह आज बने या कल बने देखते हैं। लोग से पूछ रहे तो वही बात कि आज भी है कल भी है, तो क्या जो किचन में काम करता है वो दोनों दिन काम करना पड़ेगा? आज पुआ बनाना पड़ेगा, कल भी पुआ बनाना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा है। और बस टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ये सोचते सोचते ही 10 बज गया है, क्या करें क्या करें, ये सोचते सोचते मोहल्ला में भी पूछ रहे हैं तो वही बात हो रहा है। ज़्यादातर तो लोग 26 को ही मना रहा है। हर्षित अभी सोया हुआ है क्योंकि रात को बहुत टाइम हो गया था, ये लड़का को उठा रहे हैं, कब से उठा रहे हैं। और ये देखिए, उठो उठो उठो, सारा कपड़ा धोया हुआ अजीब सा रखा हुआ है। और बस यहाँ पे हम वो छेना पायस के लिए छेना फाड़ करके रखे हैं दूध का, और जो भी हो आज हो कल हो तैयारी तो करना है। और ये पीछे आइसक्रीम का कोन मंगाए हैं, ये सही रहता है क्योंकि शायद 25 रुपया या 30 रुपया लगता है पूरा एक जो लंबा आता है उसका, और वो जो आता है कटोरी उसमें भी उससे ज़्यादा ही पैसा लग जाता है और वेस्ट हो जाता है, तो कम से कम ये यूज हो जाएगा। और बस यहाँ पे छेना बनाए हैं, इस पानी को यूज कर लेंगे। तो ब्लॉग में बने रहिए, फटाफट से कर लेते हैं। आज भी यदि कोई आ जाएगा तो बहुत सारा कुछ है, पुआ पूड़ी नहीं मिल पाएगा यदि नहीं बना तो, वैसे बहुत कुछ है बना हुआ जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो देखते हैं, ब्लॉग पे बने रहिए। तो यहाँ पे छेना का जो पानी था वो अच्छे से इसका निचोड़ लिए थे, सारा पानी निकाल लिए हैं, और बस इसको अब हम मसल लेते हैं फटाफट से। और इस जो छेना होता है ना, ये गाय का दूध से फाड़ते हैं, और ये हमेशा हमें बनाने का आदत हो गया है, तो इसमें ख़राब होने का कोई ये नहीं रहता है, हमेशा अच्छा सा बन जाता है। तो बस इसको फटाफट से हथेली से मसल लिए हैं और एक बराबर करके गोली काट लेते हैं। और यहाँ पर पतिदेव को भी बैठा दिए हैं कि अच्छे से गोली कर दें। टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, 11:15। और इधर हमारा बन रहा है छेना पायस, और इसके बाद अभी चिक पियेंगे चाय और तब जाएंगे नहाने के लिए। था तो इतने छोटा छोटा बढ़ के हो गया इतना बड़ा बड़ा। और कढ़ाही को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि इसी में रोज़ दूध गाड़ते थे, और छेना पाइस का जो वो दूध जो होता है उसको भी इसी में गाढ़ा किए थे, तो सोचे इसी को ये कर लेते हैं, क्या बार बार धोना। और बस जा रहे हैं नहा करके, और देखते हैं क्या क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओम श्री नारायणाय नमः, ओम श्री गोविंदाय नमः, ओम श्री वासुदेवाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, श्री हरि 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 श्री हरि, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। तो यहाँ पे नहा धो करके आ गए थे, तो सोचे चलो पूजा कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि अमित पूजा कर लिया था, और अमित जब तक पूजा कर रहा था हम काम कर रहे थे, और अमित को वैसे पूजा करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और बस अमित पूजा करके, और वो पेड़ा बना दिया था घर का दूध से ही, तो वो भोग लगा देंगे। और अमित यहाँ पे सेव अंगूर पंचमेवा का भोग लगा दिया है, और फूलों की होली और रंगों की होली सबसे पहले अमित ही किया है, इसके बाद यहाँ पे रखा हुआ था तो हम भी यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले पूजा की और इसके बाद फूल से होली खेल लिए, और अबीर गुलाल से, और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा अबीर गुलाल भी। और हम लोग अपने एक दूसरे को लगाने से पहले पहले हम लोग चढ़ाते हैं, भगवान जी के साथ खेलते हैं, भगवान जी को लगाते हैं, और इसके बाद हम लोग खेलते हैं। और आप लोग जो भी रील्स वगैरह देखे होंगे तो पिछले साल का जो बच जाता है सबके साथ खेल के, जो गुलाल बच जाता है, तो उससे हम रील्स बनाए थे। नया कलर का यूज नहीं करते हम लोग, जब से हम भगवान जी को चढ़ाते नहीं हैं, लगाते नहीं हैं इसलिए। और बस यहाँ पे फटाफट से पूजा कर लेते हैं, और इसके बाद बहुत सारा आज काम है तो वो काम में लगेंगे। हैप्पी होली, आ
आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी के पूरे परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नहा धो करके रेडी हो गए हैं और पूजा भी हमारी हो गई है और टाइम का 1 बज गया है। हाँ 1 बज गया है और बस अब जा रहे, देखते हैं क्या खाना बनाएंगे। पतिदेव बोल रहे दाल चावल बना लो, तो देखते हैं और अभी होली खेल लेते हैं। सबको रेडी हो रहे हैं होली खेलने के लिए, कल भी होली खेलेंगे। अच्छा ही तो है 2 दिन होली खेलने मिलेगा कि नहीं। जय श्री श्याम, जय सिया राम, जय राम जी। और इसका होली आप लोग कलर देख रहे होंगे, तो ये भगवान जी के साथ होली खेला है इसलिए अपने खेल लेते हैं। चलो लो, चलो पतिदेव बाहर बैठे हैं, चलिए लेके चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पति देव को ही गुलाल लगाए थे, वो आप लोग रील्स देखे होंगे। और इसके बाद यहाँ पे अमित को लगा देते हैं और हर्षित अभी नहा रहा था और अभी हम लोग एक दूसरे को खेल ही रहे थे तब तक कोई आ गया था। तो बस इसके बाद हम चले गए थे किचन में कि क्योंकि किचन में भी अभी बहुत सारा काम था। जो होलिका दहन वाले दिन चना भिगा करके रखे थे और वो चावल और दाल, तो पत्ता गोभी का पकौड़ी बनाने के लिए, पर किसी को खाने का मन नहीं किया था तो नहीं बनाए थे। तो अभी भी किसी को पकौड़ी वगैरह खाने का मन नहीं था पत्ता गोभी का, तो सोचे कि इसका हम भवरा बना लेते हैं। जो भी बिहार के लोग होंगे वो जानते होंगे भवरा, तो वही यहाँ पे बना रहे थे। तब तक यहाँ पे पतिदेव के दोस्त आ गए थे, तो उनको पतिदेव यहीं पेड़ के नीचे बैठाए थे क्योंकि हम लोग भी यहीं पे बैठे हुए थे इसलिए। और बस उनको जाने के बाद यहाँ पे हमारा वो जो भवरा था वो रेडी हो गया था, तो यहाँ पे हम दोनों भी खा रहे हैं क्योंकि नाश्ता सुबह से नहीं किए थे, सिर्फ चाय पिए थे इसलिए। और इसके बाद हमें खाना भी बनाना है। यहाँ पे बैठ के भुजिया काट रहे थे क्योंकि अमित को खाने का मन है दाल चावल आलू का भुजिया। चावल चढ़ा दिए हैं, भुजिया कट कर लिए हैं और चले बना देने क्योंकि खाना जल्दी जल्दी हो जाए। और हर्षित क्या कर रहा है देख लीजिए, क्या कर रहा है, तोड़ रहे हैं। कितना अच्छा खुशबू आ रहा है ना, आएगा नहीं पुदीना खुशबू तो देता है। अरे पूरा महक रहा है, घर का बात ही अलग रहता है। तो पुदीना बोले तोड़ने के लिए, गुपचुप का पानी बनाने के लिए, क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आज होली मना रहे हैं और खास करके अमित के शिष्य से लोग गुपचुप लवर हैं, नहीं इनके शिष्य से लोग गुपचुप लवर हैं। और अमित क्या कर रहा है, मम्मी कह रहे हैं उसको बर्तन धो रहे हैं, हम बोले धो देते हैं तो नहीं धो देंगे, ठीक है धोइए। तो चले भुजिया छौंक देते हैं, इसके बाद होली के दिन दाल भात भुजिया कौन खाता है भाई, हम खाते हैं। हमारे यहाँ 650 हमारे घर आई अंकल जो है ये बर्तन भी धो देते हैं। अमित हम और हर्षित बाहर में बात कर रहे थे, पता है क्या कि आधा होली आज हो रहा है आधा होली कल हो रहा है, ठीक है। और हम किसी का भी हो होली के सुबह वाला क्या हाल होता है, ए यार खाए पियो तो सुतो सुतो, और कल ना चाहते हुए भी अपने आप को ये रखना पड़ेगा, एक्टिव रखना पड़ेगा कि अरे आज होली है, और फिर से इतना ही रेडी सेडी होके कल तो ऐसा लगता है हाँ 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 नहाओ धो और सिर्फ सुतो सुतो, पर कल ना चाहते हुए भी खटना पड़ेगा। और आज भी इतना कुछ करो और कल भी करो, इसीलिए आज हम पुआ वगैरह नहीं बना रहे हैं, कल बनाएंगे। बस पुआ ही नहीं बन रहा है, बाकी तो सब कुछ सूखा चीज है, खराब होने वाला नहीं है, तो वो सब आज बन गया है, तो कोई टेंशन ही नहीं है कि कोई आज आए या कल आए, क्या है ना। और यहाँ बन रहा है चावल, इमली का पानी भिगा करके इमली भिगा करके रखे हैं। तो बस ब्लॉग पे बने रहिए। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। ये इसको नहीं लगा इसको अभी कलर नहीं लगाया है क्योंकि कोई आ गया था, लग गया कलर, ला 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 लगा ही देते हैं, लगा देते हैं। प्यार वाली होली, गाली वाली होली, गाल वाला होली, आ यस प्यार वाली होली। टाइम का 5:30 हो रहा है, बैठ के मूवी देख रहे हैं।
पतिदेव चाइना गेट। और यहाँ पे जो समोसा बनाए थे खोया समोसा, उसको हम वो कर दिए हैं चाशनी में डिप कर दिए हैं। तैयारी हो गया, मीठा समोसा भी हो गया है और मोहल्ले में कहीं आज होली है, किसी किसी के घर आज भी है, बाकी लोग कल मनाएंगे। और बस पतिदेव का टीवी देखना बंद हो गया, नहीं थक गए, चल गए सोने। और अमित हर्षित कहाँ है? कहा है अमित छत पे गया है। और मौसम पूरा बादल बादल कर दिया है, लगभग दो बजे से क्या सुबह से ही है ये देखिए। कलर वगैरह नहीं हटा है, लग रहा चाहिए ना कि होली है। भूतनी बने हुए हैं। रात हो गया, 7 बज गया और पति देव यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं हूँ गांव की गोरी बाबू रंग लहरे, जरा मुझको भी पढ़े ना सिखा दे तू। ये घर में रहेंगे तो यही सब करते रहते हैं। तो बस शाम हो गया था, शाम के रात हो गया था, 8:30 हो रहा होगा। तो अमित इन दोनों बच्चों को पढ़ाता है तो साथ में उनकी मम्मी आई थी, हम लोग बुलाए थे उनको क्योंकि इन लोग का होली एक दिन पहले ही हो गया था। तो हम लोग चलो होली हम लोग भी साथ साथ खेल लेते हैं, 2 दिन होली मना लेते हैं। तो वही बच्चे लोग आए थे तो कुछ कुछ खाने के लिए दिए थे। टाइम का 12:15 हो गया है रात, और होली अजीब सा होली हो गया, 5 घर उधर होली है तो 5 घर उधर होली है, और हमारे अगल बगल तो हुआ ही नहीं होली। पर जिसके 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 घर का था होली हो गया, 1-2 घर आए भी। तो बस इसी तरह का इस साल का होली रहा और खा पी लिए, अब कल का कल देखेंगे। और बहुत सारा आज काम हो गया, थक गए हैं, थकने के कारण बोली नहीं निकल रहा। सारा किचन वगैरह क्लीन कर दिए हैं और पति देव हाथ फेर रहे हैं, देख लीजिए आप। मेरा किया धरा पर हम काम करके निकलते हैं तो किचन में घुसते हैं, क्यों आप सभी को बताते हैं। जो असले पोछने का पोछा होता है वो पूरा हम नीचे उड़ते नहीं है क्योंकि मेरा ऐठन से ये जो है दर्द देता है। तो थोड़ा बहुत पानी रह भी यदि जाता होगा तो हम सोचते चलो रात भर में सूख जाएगा, नहीं इनको एकदम सूखा चाहिए। तो बस, और अमित अभी दोस्त के घर गया है तो आया नहीं है, तो इसीलिए उसका वेट कर रहे हैं कि आ जाए तो अब सो जाए, बहुत मन थक गया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा और जो नहीं हो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।